हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनसारिया स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कि भारत में जो प्रथम महिलाएं बनी हैं, जो अपना परचम लहराई हैं, तो उनके बारे में आज बताने वाला हूँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम मुस्लिम शासिका का नाम क्या है? यानी कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम मुस्लिम शासिका का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसर रजिया सुल्तान। क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान। दूसरा प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला जो मिस वर्ल्ड बनी उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा रीता फारिया, जो भारत की प्रथम महिला मिस वर्ल्ड बनी थी। तीसरा प्रश्न है, भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स महिला का नाम क्या है? यानी कि भारत की प्रथम जो मिस यूनिवर्स महिला है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सुष्मिता सेन, याद रखिएगा। चौथा प्रश्न है, भारत के प्रथम महिला जिसने उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जज बनी उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीमती मीरा शाही फातिमा बीबी, जिसने सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला जज बनी थी। क्या नाम है? श्रीमती मीरा शाही फातिमा बीबी। और पांचवा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल का नाम क्या है? यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला राज्यपाल का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती सरोजनी नायडू। क्या नाम है? श्रीमती सरोजनी नायडू। छठा प्रश्न है, प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है? यानी कि भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग सभी लोग जानते हैं, इसका आंसर है श्रीमती इंदिरा गांधी। इनको आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की एकलौती बेटी थी। सातवां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम है श्रीमती एनी बेसेंट। क्या नाम है? श्रीमती एनी बेसेंट। और आठवां प्रश्न है, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? यानी कि हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती लीला सेठ। क्या होगा आंसर? श्रीमती लीला सेठ। अगर सुप्रीम कोर्ट का पूछे तो उसका होगा श्रीमती फातिमा बीबी, और यहाँ लीला सेठ, हाई कोर्ट में लीला सेठ। और नौवां प्रश्न है, प्रथम भारतीय महिला जिसने संयुक्त राष्ट्र सभा का अध्यक्ष बनी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सभा का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। क्या नाम है? श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। और आगे है दसवां प्रश्न, प्रथम महिला जिसने भारतीय राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री बनी, यानी कि भारतीय राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री बनने वाली महिला का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती सुचेता कृपलानी। क्या नाम हो आंसर हो जाएगा? श्रीमती सुचेता कृपलानी। तो आप लोग इस बात को याद रखिएगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मैंने सारे जितने भी होते हैं प्रथम महिला हैं उसको सारे को पढ़ा दिया हूँ जितने हमसे हो सका। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।